मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है रेसलिंग में, और मैं 51 टाइम्स इंडिया की तरफ से खेलने गया हूँ ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, करीब 13-14 साल तक लगातार राष्ट्रीय चैंपियन रहा हूँ अपने वेट कैटेगरी का। मैं पुलिस में भर्ती हुआ था एज ए सिविल सर्विस, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आया और बाकायदे प्रमोशन होते हुए मैं डिप्टी एसपी बन गया। जिस क्षेत्र में मैं रहा हूँ वहाँ आम पब्लिक से मेरा डायरेक्ट हो रहा है और उन्होंने उनके बीच में मैं गया हूँ और उनकी समस्याओं को सुना है और उनका हल किया है। दादरी में मैं जब गया, दादरी ये समझो वहाँ अतिक्रमण बहुत था दादरी में, कई बार वहाँ जाम लगता था, लोग बताते थे 1-2 घंटे, करीब 8-8-10-10 घंटे तक जाम लगा रहता था। कहीं तो शादी की जो बारात मतलब आती थी वो उसी में खड़ी रहती थी, दूल्हे को वैसे उतर के जाना पड़ता था। तो वहाँ अतिक्रमण था कुछ लोगों का, तो अतिक्रमण हटवाया, उसके लिए रोड पे घूमना पड़ा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और लोगों ने फिर धीरे धीरे उसको समझा और मुझे सपोर्ट किया। और उसके कुछ दिन बाद वो ऐसा हो गया बिल्कुल जाम की समस्या ही बिल्कुल खत्म हो गई। सट्टेबाजी का ये तक जैसे वैसे तो कोई सूचना इस तरह से नहीं देते, पर मुझे जैसे कई बार पब्लिक में ऐसा तो मुझे पब्लिक के कोई भी ज्यादातर या बच्चे या कोई भी सूचना देता था कि सर यहाँ ऐसे ऐसे 10 लोग जुआ खेलने से बैठे, तो वो हमने तुरंत कार्रवाई की। तो वो इस विश्वास से बताते थे कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, हम पे विश्वास था कम, क्योंकि कुछ लोग इसलिए बचते हैं भाई क्यों किसी बीच में फंसना, तो पर पब्लिक में एक विश्वास होना बहुत जरूरी है और विश्वास के साथ ही वो हमारे साथ खड़े रह सकते हैं। दारूबाजी अवैध शराब बिकती थी, उन पर कार्रवाई की, उन लोगों को जेल भेजा। गांव में या महिलाएं या बुजुर्ग वो परेशान रहते थे अपने बच्चों से भाई, तो वो बताते थे कि भाई यहाँ इस घर में दारू बिकती है, यहाँ बेचते हैं, वो बेचते हैं, फोन करके फिर चुपचाप। तो उन्हीं लोगों के माध्यम से बहुत सहयोग मिला, जिसमें मुझे इन सब चीजों में बहुत कामयाबी मिली। एसटीएम में जब मैं था उस समय तो जैसे गिरफ्तारी हुई, ठीक ठाक अपराधी भी अमित मंडल था बिहार से, 50,000 रुपये इनाम था, नेता की हत्या में मानसिक था, वहां से इधर हमारे नागाम गया था। एक सिंहराज भाटी था उसको गिरफ्तार किया, विनोद बावले को, एक रोबिन था जो उसको छुड़ाने में अमित भोरा को जो भगाया उसको भगाने में कामयाब रहा। तो उसके अलावा एक अमित खुजली था, उससे हमारी मुठभेड़ हुई, मैं फायरिंग कर दी पुलिस पार्टी पर, तो वो उसमें मुझे गोली भी लगी थी, वो उस दौरान वो मतलब जवाबी फायर में मारा गया। एक रमजानी था उसको भी उसने भी पुलिस टीम के फायर किए, तो बड़े अपराधी थे, उनके इनामी थे और एक ब्लाइंड क्रिमिनल थे, तो इनको आत्मरक्षा में इनको फायर किया गया, तो ये लोग मतलब इसमें मारे गए। रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर मानते हैं? जमीन और आसमान, फिल्म में कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी हीरो पे कोई कार्रवाई नहीं होती, यहाँ तो होती है, यहाँ तो थोड़े से भी होती है, यदि आप सही भी करो तो भी आपके ऊपर चिल्लाने वाले जो एक्टर्स जो फिल्म में बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ 2 साल या 1 साल पुलिस की लाइफ जिए, उसने 2 महीना जिए, 1 महीना जिए, उसके बाद इस पर करें तो शायद वो बहुत अच्छे तरीके से उसको प्ले कर पाए। कई लोगों से बात हुई है फिल्म को लेकर, फिल्म का क्या किया जाए, किससे बनवाई जाएगी, तो मैंने कहा यार भाई मेरा ये था कि यदि मुझे मौका मिलेगा या कोई मुझे डिपार्टमेंट से परमिशन मिली तो मैं खुद करूंगा, क्योंकि मैं पहलवान भी रहा हूं और उसमें क्या पहलवान की लाइफ और एक पुलिसमैन 10 साल से मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूं, 8 साल से लगा था, तो मुझसे बेहतर एक्सपीरियंस किसे होगा कि सही क्या है। तो और जो मुझे भी मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है, जैसे जिसका नाम है या कुछ जो हिंट हो रहा है वो उस तरीके से अभी लीक हुई है खबर, तो कोई मेरे पे कोई स्क्रिप्ट लिख रहा था पहले, बात चल रही थी कहीं, तो अभी मैं उसको ओपन नहीं कर पाऊंगा। पर अभी जैसे कई चीजें हैं, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कोई सिंगम के हिसाब से वहां उस बैनर को ठीक रहेगा, कोई जिनको जो ठीक लगेगा मेरे से, तो जब कोई बात ऑन पेपर होगी तब बात की जाएगी।